नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहते हों कि मध्य प्रदेश की सरकार गरीबों के हित की रक्षा करने वाली सरकार है, लेकिन रीवा जिले में दूर दूर तक ये दिखाई नहीं दे रहा। गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा के संरक्षक नागेंद्र सिंह कलचुरी, जिला अध्यक्ष शैलेंद्र विश्वकर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि ग्राम लक्ष्मणपुर नई बस्ती में 15 से 20 हर्जन परिवार जो शासकीय भूमि में वर्षों से रह रहे थे, उक्त आबादी निस्तार की है, जिसमें करीब 40 वर्षों से अपना मकान बनाकर परिवार सहित वो निवासरत है, जिसको त्रिलोकीनाथ राज मिश्रा, रामजी मिश्रा और उनके परिजनों ने सरहंगई के बल पर जेसीबी मशीन बुलाकर सुबह करीब 11 बजे गिरवा दिया। मोर्चा के नेताओं ने कलेक्टर रीवा से मांग की है कि गिराए गए घरों का मुआवजा दिया जाए, ताकि गरीब अपना आशियाना फिर बना सके। बताइए, हम देवती करें कि हम खाना पीना बना लो, आदमी लोग काम में चले गए। अब ये सोचन ऐसे आ रहे हैं जनता का, यानी कहीं पाइप को पानी वाला बढ़ा दो, सोचन वो आ रहे हैं जा रहे थे कहीं घर खाली करे, तो हम जब मेरे सर घर में नहीं, हम कैसे घर खाली करी। हमारे देवर पहुड़े रहे, उनका बीमारियाँ रहे, हमारे देवर का घसैली, हमारे देवर कोनी के का घर में आगे लगा गई, तो फिर क्या करेंगे। ये बहुत साला बोलता, चलो इसको अंदर करो, चलो उसे हम बढ़ा लें अपने दुआरों से जाके हम देवर के लगे, हम उनके देवर का शांति करा लें। फिर क्या करी नहीं, वो करी नहीं, फिर कहीं चला और पुलिस है कहीं खड़ा, कहीं देना हुआ कहीं दिन कहीं देकर घर है जे रहा, बाकी तो कहीं ना रहा देने के कहीं कौन के काम और जनता कौन ना रहा, तो जे आए तब कल सब क्यों रहा, सब क्यों रहा, सब देख है कभी कहीं का घर जाई भर के काम मंजर में नहीं आई, तब मेहर के हम तू के मंजर हुआ क्या थे, तब कहते तुम्हारे वो का कर ही ऐसे हम पति काम के सब सब जनता रहा। कितने साल से रह रहे? बहुत जनता रहे। कितने साल से आप वहां रहे? 40 50 साल से रहा हूं पिताजी। कितने लोगों का घर गिरा है? घर गिरा 30 लोगों का, अकाल आके सबको निगरानी करी अपने पास, ठीक है ना। ठंडे में भूखे मर गए सर, वहीं पे सब चप गया सर, क्या करें हम लोग, मर गए वहीं, बकरी मर गई, कुत्ते पाले थे वहीं पे मर गए, हम लोग चारा हरियार के लिए बन को निकल गए सर, ताला देकर सब मार डाले वहीं पे, घर पानी भर गए सर, दारू पी पी सर, हम लोग को मार मार कर घर गिराया गया, दारू भी पीते थे वहाँ, दारू फिर जा जा कर 5 दारू ले लेकर उसका उसको जिसका दे देकर सब मार डाले, गैया बछड़ा घर लेकर गए, मारा गया पकड़ा गाड़ी सब मारते थे, ये तुम घर छोड़ो भागो सब, सभी इसी तरह सर हम लोग को कुछ सामान नहीं निकाला गया, सब ऐसे गिरा दिया था। मेरे चले गए काम में, वहाँ से सबको आज करके यहाँ लेके लड़कर सब चले गए काम में, अपने अपने काम में, जब सुन शांत आके वहाँ 10-20-50 लौड़ा ले करके दारू पेटी ले जा करके वहाँ घर गिराने की कोशिश की, जैसी भी ले जाकर सब पूरा घर पेड़ सब गिरा दिए, कोई सामान नहीं निकाला था, कभी कोई सामान निकाला जाए, सब अच्छे तरह से त्रस रहे लड़का। ये किसके नाम से थी ये पूरी, ये पट्टा किसके नाम से था? ये पट्टा ये हजन आदिवासी के है, सरकारी जगह में बसे थे हजन आदिवासी, सरकारी जगह में 25-30 साल हो गया। मैं बसपा जिला खैचर वोकेट अमित कर्नल, ये सभी लक्ष्मणपुर के जो है तो ग्राम के निवासी हैं अपने रीवा जिला के, और इनका जो है तो एक बहुत ही 25-30 साल पहले एक न्यायालय प्रकरण चल रहा था, जबकि दोनों का कब्जे का ही जमीन था, जिस पर जो है तो ये भाजपा सरकार में जिस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र से जो है तो एक तरफा डिसीजन इधर है जो है तो मिलजुल के, क्योंकि जो न्यायालय का डिसीजन आया तो न्यायालय का हम लोग मान्य करते हैं, हम लोग जो है तो उसका पालन करते हैं, लेकिन ना इधर प्रशासन में कलेक्टर साहब को जानकारी है, ना अपर कलेक्टर साहब को, ना SDM को, ना तहसीलदार, ना पटवारी भाई जो है तो पटवारी ने बताएगा कि कौन जमीन है इनके कब्जे में है, कौन जो है तो बाहर है, कौन पट्टे की है, तो ये किसी को भी जानकारी नहीं। एक तरफा जो उधर दूसरा पक्ष था उसके कहने पर JCB लगाकर और इनके सारे घरों को गिरा दिया गया, ये सरासर अन्याय हुआ, और इसकी जो है तो लड़ाई जो है तो बहुजन समाज पार्टी अपने मंच से कल ही जो है तो बात की, यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद माननीय इंजन राम जी गौतम साहब के पास ये बात मैंने पहुँचाई, और ये सभी लोगों के सामने जो तो मैंने फोटो वीडियो उनकी बना के और साहब के पास संज्ञान में डाला,
काम ने ऊपर बात की और भोपाल में भी दबाव बनाया है। और इसके बाद जो है तो कलेक्टर साहब से भी बात हुई लगातार। आज जो है तो कलेक्टर साहब अपने स्तर से जो भी सरकारी भूमि है तो इनको आवंटित करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। कल तक हम देख रहे हैं अगर जो है तो कलेक्टर साहब के आदेशानुसार यहाँ अगर इनको ज़मीन और पट्टे की और ख़ासतौर से आवास योजना के तहत जो लाभ देने के लिए भी बात की गई है तो उन्होंने कहा है, हम उनके बात का भी सम्मान करते हैं। और हमारे लोग कल जो 26 जनवरी क्योंकि ये जो है तो 26 जनवरी के दिन का ही आश्वासन है तो हम लोग कलेक्टर साहब के आदेश का सम्मान करते हैं। और ये सभी हमारा ग्रामवासी जितने भी लक्ष्मणपुर के हैं ये सब इंतज़ार करेंगे कि इनको 26 जनवरी के ही दिन इनको जो है तो वहाँ पर घर जो है तो ज़मीन आवंटित की जाए और इनको पट्टा मुहैया कराया जाए और उचित जो भी है मुआवजा इनको दिया जाए, यही हमारी मांग है। और सभी ग्रामवासियों की यही हमारी डिमांड है। नाम बता दीजिए। एडवोकेट अमित कर्नल, जिला अध्यक्ष बसपा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।